वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम नेक्स्ट 21 डेज अपने घर से बाहर नहीं निकलें। तो अगर आप कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस से लड़ना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास जो कोरोना वायरस से लड़ने से हमारी मदद करेगा। तो इसलिए इसे ज़रूर फॉलो करें, अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। एक चीज़ की मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे हार्ड टाइम्स में हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, जो फाइनेंस अभी नहीं उठा सकते, तो अगर हम उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकें तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी इस देश के लिए। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार जुपिटर बहुत ही तेज़ी से राशि बदल रहे हैं, यानी कि 30 मार्च को जुपिटर 2 महीने के लिए कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा होगा ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सुविज्ञेंद्र सुत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी एक स्पेशल वीडियो में। तो आइए, आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुपिटर एक राशि में लगभग 12 महीने के लिए गोचर करते हैं, पर इस बार क्योंकि जुपिटर की स्पीड बहुत तेज है तो वो अपनी राशि 5 महीने में ही बदल रहे हैं, यानी कि 30 मार्च को जुपिटर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं 2 महीने के लिए। तो ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा होगा ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। मैंने अपने चैनल पे कोरोना वायरस के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है उस पर वीडियो डाली हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जो नीचे बेल आइकन है उसे दबाएं, इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल। जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि जुपिटर एक राशि में लगभग 12 महीने के लिए गोचर करते हैं, पर इस बार जुपिटर 5 महीने में ही अपनी राशि बदल रहे हैं क्योंकि इस बार जुपिटर की स्पीड तेज है। पर 2 महीने बाद जुपिटर दोबारा वक्री होके सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे, जो नवंबर तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे, तो जुपिटर अपना पूरा टाइम उधर कंप्लीट कर लेंगे। आजकल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है, हार्ड टाइम चल रहा है, लोग बहुत डरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं। इसी के साथ इन सब की वजह है कोरोना वायरस, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। और ये तब से हुआ है जब से जुपिटर धनु राशि में आए हैं, क्योंकि धनु राशि में जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बना, इसी के साथ 25 दिसंबर 2019 को 6 ग्रह का इफेक्ट रहा था धनु राशि में, जिसने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कॉम्बिनेशन को, क्योंकि धनु एक फायरी साइन है। और यही एक रीज़न है, जैसा कि मैंने अपनी कोरोना वायरस वाली वीडियो में बताया कि जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है इतनी तेजी से। पर अब जब 30 मार्च को जुपिटर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे तो जुपिटर और केतु का ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, जिसने लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा है। कोरोना वायरस का ही ये एक मेन रीज़न है और यही एक वजह है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी और स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिजनेस ट्रेड और शेयर मार्केट भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये आने वाले 2 महीनों में हमारे को इन्हीं सभी फील्ड्स में रिवाइवल देखने को मिलेगा। तो ये 2 महीने जो है हमारी लाइफ में यानी कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, क्योंकि जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा कैप्रिकॉन में। हालांकि कैप्रिकॉन मकर राशि जो है जुपिटर की नीच राशि है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, पर वहां पे पहले से ही शनि गोचर कर रहे हैं, उनको प्रोफेशन इकोनॉमी एग्रीकल्चर का कारक माना गया है।
तो जुपिटर और केतु का जो कॉम्बिनेशन है उसे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। तो इसलिए इस बार जुपिटर कैप्रिकॉन मकर राशि में बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे और हमारे को बिजनेस में, इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिलेगा। अगर काफी टाइम से आपके कुछ रुके हुए काम है, कोई रुकी हुई प्लानिंग है या फिर कोई अटकी हुई बिजनेस डील है, तो अब ये आने वाले 2 महीने आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम होगा इन्हीं प्लानिंग्स को, काम को एग्जीक्यूट करने का। तो आप इसके लिए वेट ना करें। और जहां तक बात है स्ट्रेसफुल टाइम की, जिससे हम आजकल गुजर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और लोगों को ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से जल्दी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं ये ट्रांजिट आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। पहला, एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अगर काफी टाइम से आप अपने कैरियर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ अगर काफी टाइम से आपकी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं छोटी छोटी बातों में, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी जो हेल्थ में काफी टाइम से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और अगर आपका कोई भी काम या कोई प्लानिंग रुकी हुई है काफी टाइम से, तो ये राइट टाइम है उन्हें एग्जीक्यूट करने का। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा मुश्किल बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपने हर काम में थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा। आपकी फैमिली में जो काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहे थे उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आप काफी टाइम से काफी मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे थे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। लियो सिंह राशि वालों को जो ये कॉम्बिनेशन है, जो ये ट्रांजिट है, वो आपके लिए नेगेटिव रहेगा। आपको अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आपके लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। वीरगो कन्या राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट नॉर्मल रहेगा। हालांकि काफी टाइम से अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ आपको कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वो मिक्स रिजल्ट देने वाला होगा। काफी टाइम से आप जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, पर आपको जो भी अपने कैरियर में प्लानिंग है या फिर कोई भी काम है उसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको सफलता यानी कि सक्सेस मिलेगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये ट्रांजिट मिक्स रिजल्ट देने वाला होगा। आपकी हेल्थ में जो काफी टाइम से अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, पर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सोच समझ के करें। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे। काफी टाइम से आपकी फैमिली में जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ आपको अपने कैरियर में बेटरमेंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा। अगर काफी टाइम से आपके यूजलेस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपके कैरियर में भी आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट नॉर्मल रहेगा। हालांकि आपके यूजलेस खर्चे बढ़ सकते हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन सोच समझ के करें। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। आपको अपने कैरियर में बेटरमेंट और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ
आप जो काफी टाइम से अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। जुपिटर का ये ट्रांजिट एक पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है और इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें कि अपने घरों में ही रहें अगर कोरोना वायरस से आपको लड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। वैसे मैं आने वाली वीडियो वास्तु टिप्स की डालूंगा, जिसमें मैं आपको स्पेशल वास्तु टिप्स बताऊंगा जो आपको ये डिफ़िकल्ट टाइम्स में हेल्प करेगा, मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने में आपकी हेल्प करेगा।